गुड इवनिंग एंड सत श्री अकाल एवरीवन। गिल्ज मिंटोर दे ऑफिशियली यूट्यूब चैनल ते मैं थोड़ा सब दा वेलकम कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि तुसी जिथे भी होंगे ठीक ठाक होंगे। पीएसपीसीएल क्रैश कोर्स अज असी कवर करन जा रहे हैं मैथमेटिक्स दा नवा टॉपिक जिहदा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। टॉपिक कवर करन तो पहला तुहानू बहुत सारियां चीज़ां बेसिक दसांगा, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होएगा इस टॉपिक दे अंदर। सब तो पहला गल करांगे कि बेसिक स्ट्रक्चर किद्दां हुंदा, बिल्कुल जीरो लैवल तो लैके क्वेश्चंस दी रेंज वधावांगे और इन्नियां जबरदस्त ट्रिक्स दसांगा। और बिगनिंग च स्टार्टिंग च दस दिंदा है कि मेरे हर एक टॉपिक नूं हर एक क्वेश्चन नूं अच्छे तरीके नाल कवर करो। अच्छा ये होगा कि तुसीं नोट्स बनाओ, तुहानूं बार बार किते भी देखण दी जरूरत नहीं रहेगी। और यकीनन गारंटी करदा है कि सिंगल क्वेश्चन भी पेपर चों आउट होने वाला नहीं है। जेकर तुसीं चाहुंदे तुहाडे तक इदां ही सरकारी असामियां होर भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स तुहाडे तक सब तो पहलां पहुंचण तां तुसीं इस चैनल नूं जरूर सबसक्राइब करो अते नाल ही बैल आइकन नूं प्रेस करना नहीं भुलना। अदर क्लासेस दे टाइम असीं तुहानूं ऑलरेडी दस्सते हैं, लाइव क्लास च जरूर पार्टिसिपेट करया करो क्योंकि लाइव क्लास दे अंदर टीचर जो अपना एक्सप्लेनेशन करके तुहानूं समझाएगा वो शायद तक तुसीं किसी पीडीएफ या किसी बुक तो नहीं कर सकते, क्योंकि इदां तां जे पढ़ के कोई करना आ तां कंधां ते ज्ञान बहुत लिखा होगा। तुसीं किते भी चले जाओ दीवारां ते कंधां ते बहुत ज़्यादा ज्ञान लिखा हुंदा है, लेकिन वो पढ़ के कदे ज्ञानी नहीं बन सकता इंसान। ठीक है, तो ये चीज़ां तुसीं सब जानते हो बेहतर तरीके नाल। होर भी तुहानूं दसना चाहुंदा कि तुसीं बेहतर तरीके नाल मेरे अगर होर भी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहते हो तो तुसीं अन अकैडमी ते मैनूं फॉलो कर सकते हो। और उत्थे कोई भी स्टडी मटीरियल दे संबंध च कोई अगर तुसीं सबसक्राइब करना चाहते हो तो यह कोड जरूर फिल करियो। कोड फिल करन ते तुहानूं ओवरऑल 10% डिस्काउंट मिलेगा। लगभग इत्थे फायदा की है, देखो बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। फायदे है कि जिवें तुसीं बेहतर तरीके नाल अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हो, इंग्लिश दे संबंध च तुसीं जरूरी नहीं कि एक टीचर तो पढ़ोगे, वक्रे वक्रे टीचर दे सैशन देख सकते हो, उन्होंने ट्रिक्स देख सकते हो। इहदे नाल तुहानूं इंग्लिश दे संबंध च बहुत सारे पीडीएफ्स, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी और यह कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। आई थिंक थोड़ा अच्छा लगता है तुसी कवर करो, 7 दिन तुहाडे लिए बिल्कुल फ्री है, तो तुसी डेफिनेटली थोड़ा विजिट करना चाहिए। तो तुसी फॉलो जरूर करो मैनू, फॉलो करन तो बाद जो बाकी इस संबंध में कोई भी जानकारी तुहानू चाहिए तुसी सानू टैक्सट करके भी जानकारी ले सकते हो। दोस्तों अज असीं शुरू करन जा रहे हैं बेसिक स्ट्रक्चर तो, ठीक है, उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बहुत ही बेहतरीन तरीके समझ आएगा और इन्ना जबरदस्त समझ आएगा। ठीक है, कोशिश करो कि साड़ी जिंदगी च घाटा अते वाधा आउंदा है उहदे संबंध च सारे सवाल असी इंप्लीमेंट करने हैं। देखो उस 3 चीज़ां आ जिद्दां आपां नाम पढ़ते हैं प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट हुण प्रॉफिट किद्दां और किवें समझांगे असी। प्रॉफिट आपां अगर दैनिक गल करिए कि मेरे कोल अज 2000 रुपये आ गया, हुण 2000 रुपये कित्थों आ गया, वी कांट एक्सप्लेन, राइट। जब तक साढ़े को 2000 रुपये का आधार नहीं है, बेस नहीं है, कितों आया, किने दिता, तद तक आप एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते। इस तो पहला सानू जानना पड़ेगा कि साढ़े को एक प्रोडक्ट की कॉस्ट है, यानी जिन्हों कहने आप सीपी, सी फॉर कॉस्ट, पी फॉर प्राइस, ठीक है, एक प्रोडक्ट की कॉस्ट है। फिर उस तो बाद उस प्रोडक्ट नू आपा वेचिया, ठीक है, यदा मतलब है कि बेचिया, सेलिंग प्राइस, और उस प्रोडक्ट का की है एम आर पी रेट है। क्लीयर है, एम आर पी रेट है। ये 3 चीज़ा याद रखनी है। अगर तुसी मानो कि मेरे कोले स्पोज पेन है, मेरे कोले स्पोज एक पेन है, और उस पेन नू आपां किद्दां समझना है, आपां एग्जाम्पल लै सकते हैं कि जिवें मैं कहां कि मेरे कोले एक पेन है, उस पेन की कीमत किन्नी है, 100 रुपया। कीमत मतलब उहदा कॉस्ट प्राइस, कीमत मतलब कॉस्ट प्राइस है। इस पेन नू मैं 170 रुपये दे विच बेचता, किन्ने रुपये सेल करता मैं, 170 च बेचता। हुण देखो मेरी पॉकेट चो किन्ने लगे, 100, मैनू वापस किन्ने आए, 70। तो मैनू प्यारे दोस्तों इन्हां दोनों चो की प्राप्त होया, इन्हां दोनों चो मैनू प्राप्त होया 70 रुपये। 70 रुपये प्राप्त हो, यह मैनू की कहलाएगा, दिस इज़ ए प्रॉफिट, इनू आपां कह सकते हैं लाभ मैनू प्राप्त होया। ठीक है, तुसी कदे भी देखिया होएगा कि दुकानदार है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, साडी जिंदगी दे घाटे वाधे पूरे आ जाणगे। तुसी कदे बिजनेस भी करना चाहते हो ना, तद भी तुहानू बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। क्यों नहीं करना चाहते, आपां मार्केट जाने हैं, राइट, बंदा ये देखता है कि यार सब तो सस्ता या और सोबर जहा समान कितों मिलेगा, किसी दुकान पर चले गए, दुकान तो आप कोई पेंट शर्ट पसंद की है, जे आप सोचा कि हाँ जी दुकानदार ने उक्का पुक्का या हिसाब ला के, पहली गल तो वैसे कोई बुरा ना मनो, दुकानदार वाले बहुत ज़्यादा खट्टियां पर्चियां लाते हैं, ठीक है, हो सकता ताड़े चो भी कोई हो, और जे भी जी दुकान पर लिखा होंगे ना बंफर ऑफर 50-50, उत्थे हमेशा तुहानू ज़्यादा मतलब चूना लगेगा, इस चीज़ का होर यकीन रखियो। हालांकि मार्केट हर कोई अपनी कमाई करने वास्ते बैठा है, पर कितने कितने कुछ ज़्यादा ही कमाई हो जाती है, तो घाटे वादे थोड़ा जरूर सिखावगा। इस तों अलावा कुछ चीज़ा होर होंगे कि आप जिवें मार्केट के अंदर गए,
आप किसी से देखा भी 500 रुपया रेट लगे है, उस 500 रुपये से अगर उन्होंने घाटा हो वाधा हो कितों डिसाइड होएगा। जे थोड़े को मान लो एक कार है, तुम कार अच्छ मार्केट के अंदर 2 लाख की बेचती, हूँ तुम कितों जज करोगे तो घाटा या फायदा, तुम फैसला करोगे यदि खरीद पर, मतलब ये एक्चुअल प्राइस से, और एक्चुअल प्राइस की होंगे यदि कॉस्ट होंगी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रखियो, जदों भी तुम किसी भी प्रोडक्ट से लॉस या घाटा साबित करने प्रॉफिट तुम दसना आ, तो यह हमेशा कॉस्ट पर होएगा। मतलब कि वी कैन से साढ़े लिए कॉस्ट प्राइज बहुत इंपोर्टेंट है। कॉस्ट प्राइज अगर सानू पता है तो असी प्रॉफिट या लॉस असी साबित कर सकते हैं। हुण देखो मैं तुहानू एक एग्जाम्पल दे रहा वा सी जिहड़ा पेंडिंग छड्डिया आ, कि मेरे को एक पेन है, इस पेन की कीमत है 100 रुपया। मैं इस पेन किसी होर परसन को सेल करता जिन्हें 170 रुपया खरीदया, राइट, यानी मैं इस पेन बेचा जिन्हों सेलिंग प्राइज कहांगे, राइट, मैं खरीदया, बट इस पेन पर कॉस्ट कितनी है, यानी एम आर पी रेट कितना आ, उहदे बारे सानू नहीं पता। क्लीयर, यह क्वेश्चनस भी आने, इस असी सक्सैसिव जो डिस्काउंट देवे वह भी तुहाडे नाल डिस्कस करांगे। भी कई बार इदां दे सवाल पेपर च आउंदे ने जो थोनू पी एस पी सी एल च भी देखण नू मिलणगे। जिवें सपोज थोनू कहा जांदा है कि किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट, किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट है वह 500 रुपया है, ठीक है, और थोनू उस ते जो डिस्काउंट है, हालांकि डिस्काउंट के टॉपिक दे विच है, लेकिन कितने ना कितने कुछ क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस से अटैच किए जाते हैं, जिसनों आप अच्छे तरीके कवर भी करने की कोशिश करांगे। चलो शुरू करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर, सारे पहला बेसिक फॉर्मूले लिखांगे। जो भी स्टूडेंट्स प्लीज़ इसमें इदा नहीं समझना कि बहुत ही ग्राउंड लेवल तो सर समझा रहे हैं, मेरा प्रयास है, मेरी पूरी ताकत यही होएगी कि थोनू हर एक बेसिक तो बेसिक छोटी तो छोटी चीज़ दसा। इदा तो मैं थोड़ा 10 सवाल लिखा के इदा बेसिक तरीका दस दाँगा, ट्रिक्स दस दाँगा, बट उस कंसैप्ट कदे क्लीयर नहीं होएगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, सब तो पहला सानू फॉर्मूला समझना पड़ेगा, तो मतलब प्रॉफिट, सब तो पहला सानू प्रॉफिट समझना होगा। प्रॉफिट की होंदा मेरे दोस्तों, प्रॉफिट होंदा भी किसी भी चीज़ नू आपां घट च खरीद के ज़्यादा च वेचना, घट च खरीदांगे ज़्यादा च वेचांगे तो डेफिनेटली उत्थे की होएगा, प्रॉफिट होएगा। और लॉस की गल करांगे तो आपां कोई चीज़ ज़्यादा च खरीद के घट च वेचांगे तो डेफिनेटली उत्थे आपां नू लॉस होएगा, ठीक है। जे आपां प्रॉफिट कढ़ना है तो आपां की लिखांगे, इत्थे आपां लिखांगे इत्थे एस पी माइनस कॉस्ट प्राइज। तुसी पहला फॉर्मूला नोट करोगे, ये पहला फॉर्मूला है किवें, जिवें मैं इत्थे लिखिया कि 170 माइनस 100 उपर वाले क्वेश्चन से, तो आपां 70 रुपये की होया प्रॉफिट होया, क्लीयर है। दूजा फॉर्मूला लॉस, लॉस के उपर ध्यान रखना है कि कोई चीज़ तुसी ज़्यादा की खरीदी घट च बेची, घट के बेची। सपोज अगर आप गल करिए इतने इस क्वेश्चन नू समझ लियो कि पहली जो वैल्यू है वह की है, दूजी वैल्यू की है। आई कैन टैल यू अदरवाइज, आई एम राइटिंग हेयर, दिस इज ए एस पी एंड दिस इज ए सी पी, क्लीयर, नो डाउट, ओके। सो मेरे प्यारे बंधुओं, इतने अगर आप गल करांगे कि मेरे को कॉस्ट, कॉस्ट है मेरे को किसी प्रोडक्ट की 200 रुपया, बट मैं उसनों किन्ने च बेच रहा वा, 150, मतलब ये सेलिंग प्राइज है। मेरी पॉकेट मेरी जेब चो 200 रुपया गए, मैं वापस 150 रुपये मिले, तो मेरे प्यारे दोस्तों दसो मैं घाटा कितना होया, डेफिनेटली तुसी कहोगे किन्ने रुपए का, 50 रुपए का, क्लीयर है। दिस इज ए कोल्ड लॉस, ठीक है, मतलब कि आप इतने पहला कॉस्ट लिखांगे फिर आप एस पी लिखांगे, सी पी चो एस पी लैस करांगे तो आपां इतने लॉस प्राप्त होएगा, क्लीयर है। इस तो बाद गल करते हैं फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, फॉर्मूला नंबर टू, फॉर्मूला नंबर थ्री। अगर आपां नूं पुछा जांदा किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट दसो, सपोज एग्जाम्पल दे रहा वा कि मैं कहां कि मेरे को एस पी 500 रुपया आ और मैनू इस ते फायदा होया 300 रुपया, किन्ने रुपये फायदा होया, 300 रुपया, दसो इहदी कॉस्ट किन्नी है। भी मैनू तुसी देखो भी किसी भी प्रोडक्ट की कीमत किन्नी है, 500 रुपया कीमत सीगी, भी उहदी सपोज दैट, आई एम सॉरी फॉर दैट, इत्थे मैं थोड़ा थोड़ा जिहा मैं अपने आप नूं चैक करांगा कि सेलिंग प्राइज, मैं किसी चीज़ नूं 500 दी बेची है, मैं कोई प्रोडक्ट है उन्होंने 500 का बेचा है जिस च मैं 300 रुपए का फायदा होया, तो डेफिनेटली यदि कॉस्ट कितनी होएगी, 200 रुपया होएगी। तो कॉस्ट फाइंड करनी है तो यह मतलब है कि तुम इतने लिखोगे एस पी माइनस प्रॉफिट, बस यही चीज़ा सीखनी है। अगर प्यारे दोस्तों ये सारे स्टैप तुम वन बाय वन सीख लो तो कंसैप्ट अच्छे तरीके क्लीयर कर लिया यार, ठीक है, क्लीयर। हुण आपां लिखांगे इत्थे भी 500 दी आपां चीज़ बेची है जिहदे चों 300 दा फायदा होया, इहदा मतलब है कि इहदी कॉस्ट किन्नी सी, 200 रुपया सी, ठीक है। नंबर 4 ते तुसीं याद रखना है कि जदों तुसीं एस पी कढ़ना है, तुहानूं एस पी दे विच इत्थे दित्ता होएगा कि 300 रुपया मान लो किसी भी चीज़ की कीमत है, तुसीं इहनूं लगभग तुसीं 100 रुपया प्रॉफिट ते बेच रहे हो, दसो इहदा एस पी किन्ना होएगा, तो तुसीं इत्थे लिखोगे सी पी प्लस यानी प्रॉफिट। मतलब कि देखो 300 की कोई चीज़ खरीद है तुहाडी, उहदी कॉस्ट है 300 रुपया, तुसीं उस ते 100 रुपया कमाउणा चाहुंदे, तुसीं किन्ने दी बेचोगे, स्वभाविक जी गल है उहनूं तुसीं किन्ने दी बेचोगे, 300 प्लस 100 इज इक्वल 400 दी, ते 400 रुपए की कहलाएगा यानी सेलिंग प्राइस कहलाएगा, क्लीयर है।
ठीक है। इस तो बाद इदा ही तुसी पंजवा फॉर्मूला कह सकते हो लॉस का। जे तुसी इत्थे सपोज तुहानू इही कंडीशन दे विच अगर लॉस फाइंड करना है, तुहानू मैं दस्या होया है कि तुसी इत्थे यानी सीपी दे विचों की माइनस करोगे, एसपी माइनस करोगे, ठीक है। जे तुहानू इत्थे कंडीशन दे विच इह किहा जावे कि तुसी किसी भी प्रोडक्ट का तुहानू 100 रुपया लॉस होया और तुसी इहनू बेचिया किन्ने दा, 300 दा, तो डेफिनेटली भी कॉस्ट ज़्यादा होएगी। यानी थोड़ा जहा क्वेश्चनस नूं एक ना बेसिक तरीके नाल आपां अपनी दैनिक जिंदगी ते अप्लाई करना है, ठीक है। जे आपां दैनिक जिंदगी ते अप्लाई करांगे तो क्वेश्चन थोड़ा होर भी आसान हो जाएगा। तो वी कैन से आपां की कह सकते हैं कि इत्थे यानी पर्टिकुलर आपां लॉस फाइंड करांगे तो अपने कोल की है, सब तो पहला एस पी है प्लस आपां कहांगे लॉस है, दोनों एड कर देने हैं। मतलब कि 300 प्लस 100 इज इक्वल, कोई प्रोडक्ट 400 दा सी, मेरी जेब चो 400 रुपया गए जब मैं खरीदया, बट रिप्लाई मैं किन्ने आए हैं, 300 रुपये। अगर 300 का मैं बेचे है तो मैं पक्की गल है कि 100 रुपया घाटा होया। क्लीयर है? आई थिंक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं इतों तक। बेसिक चीज़ा मैं तेरे सारियां साझियां कीतियां। हुण आपां थोड़ा जिहा अगे वधांगे मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही बेसिक स्तर के क्वेश्चनस नूं आपां कवर करन दी कोशिश कर रहे हैं। जे तुहानूं सैशन अच्छा लग रहा वा, तुहानूं लग रहा है कि सर वाकई ही सानूं बहुत अच्छे तरीके नाल टीच कर रहे हैं, तो मेरी प्लीज़ तुहानूं हंबल रिक्वेस्ट, सारे जने एक बार इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, वट्सअप, ठीक है, जो भी तुसीं यूज करते हो, जिथे भी तुसीं फटाफट जाके सवेरे सवेरे उठ के ना चाह पीण तो पहला फटाफट बस देखते हो कि हाँ मैं फटाफट, मतलब मैं देखा कुछ ना कुछ की कुछ है, शेयर कर दो, उत्थे फटाफट शेयर कर दो बस, ठीक है, ताकि सानू भी इदा हो कि वाकई ही पढ़ने वाले स्टूडेंट पढ़ना ही नहीं चाहते बल्कि चाहते हैं भी होर भी साढ़े नाल पढ़ लैन। क्लीयर है? चलो ठीक है, शुरू कर दें होर क्वेश्चंस। क्वेश्चन सीरीज में शुरू करांगे कि किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट, किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है, मेरे को 800 रुपये कॉस्ट है। कमेंट बॉक्स में तुसी आंसर दसना है, ठीक है। मैं इसनू लगभग 100 रुपये के अंदर सेल करता, दसो मैनू इतने प्रॉफिट होया लॉस होया, प्लीज़ गिव इन द कमेंट बॉक्स फटाफट, यस गुड, ठीक है। इदा तुसी अपना आंसर देना है, मतलब कि मैं किसी चीज़ को 800 का खरीदया, मेरी जेब चो 800 रुपये गए, मैनू प्राप्त किन्ने हुए, 900, तो पक्की यकीनन है कि मैनू इतने प्रॉफिट होया। तो प्रॉफिट लिए आसपा की करांगे, एस पी माइनस सी पी, मतलब कि 900 दे विचों आपां 800 माइनस करांगे तो वट वी हैव ए 100 रुपये। क्लीयर है? किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इदा क्वेश्चन होना चाहिए। इतने मैं तुम्हें बहुत सारे डूंगे क्वेश्चन पूछा, ठीक है, यही चीज़ा तुम्हें सीखनी है। हुण तुहानू ये पूछा जाए कि दसो कितना प्रॉफिट परसेंट है, प्रॉफिट परसेंट दसो कितना इतने, भाई 100 रुपये तो तुम प्रॉफिट कढ़िया, प्रॉफिट परसेंट जदों भी प्रॉफिट परसेंट कढ़ना है, एक यकीनन तौर पर गल याद रखनी हमेशा लई, ठीक है, तुम रखना आ हमेशा प्रॉफिट, और प्रॉफिट हमेशा जो परसेंट कढ़ोगे तुहाडे कोल सीपी नहीं है तो तुसी प्रॉफिट परसेंट नहीं दस सकते। सीपी बहुत जरूरी है और इंटू की कर दोगे 100 दस दोगे, यानी आपां नूं प्रॉफिट 100 रुपये होया, कॉस्ट दी किन्नी सी 800 सी, इंटू की करांगे 100 करांगे, डबल सिफर ना डबल सिफर कैंसल हो गया, यानी आपां कह सकते हैं 25 चौका 100 और 4 दूनी 8 लगभग मेरे प्यारे दोस्तों 12.50% तुहानूं की हो रहा वा इत्थे प्रॉफिट हो रहा है। तो मतलब परसेंटेज भी तुसी याद रखनी है कि 12.50%। हुण 12.50 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होंदी है, लगभग तुसी कह सकते हो 25/2 होंदी है, ये भी तुसी याद रखना है। क्लीयर है? अगे वधदे हैं, अगले क्वेश्चन वल वधदे हैं, फटाफट शुरू कर दें नैक्सट क्वेश्चन, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन की कह रहा वा आपां नूं कि किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट है, वो यानी कॉस्ट मेरे को कितनी है, 8200 रुपया कॉस्ट है, किन्नी कॉस्ट है, 8200 रुपये है, ठीक है। और अगर इस 8200 रुपये की कॉस्ट से मैं लगभग अगर कहां कि मैं 20% प्रॉफिट कमा रहा तो दसो इसकी सेलिंग प्राइस कितनी है। देखो यही क्वेश्चन मैं चेंज करता वा, पेपर च इदा ही पूछा जाएगा, पहला तरीके पहला बेसिक सीख लो, बाकी जो मेरा काम है ट्रिक्स सिखाना, फंडे सिखाना, बिना पेन बिना पेपर सारिया चीज़ा सिखाना, दिस इज कंप्लीटली माई रिस्पोंसिबिलिटी, ठीक है। इदा के तरीके सिखावगा कि तुसी यकीन मनो कि बिना पेन बिना पेपर DDF धमाका देखा, इदा के बहुत सारे धमाके ने, ठीक है, ये मेरा काम है, लेकिन मैं तुम्हें लंबी छाल मारन तो पहला एक बार कुछ सानू बेसिक जी चीज़ा सिखावगा, ठीक है। चलो शुरू कर दें, हमेशा ध्यान दो कि 8200 रुपये है, 20% प्रॉफिट है, तो तुसी जो ध्यान रखना है कि प्रॉफिट होएगा उन्होंने 100+ लिखना है, ठीक है, और 100+ लिखोगे, जे तुहानू लॉस है तो 100- लिखोगे, ठीक है। ये छोटी जी गल याद रखियो, अपॉन 100 लिखांगे, डबल सिफर ना डबल सिफर कैंसिल हो गया, 82 × 120 ना करांगे, सिफर पहला ला दो तो कितना हो गया, 12 × 24 तुहाडे कोल 2 बचे, 12 × 8 = 96 तो 2 कितना हो गया, 98, तो लगभग तुसी कह सकते हो कि 9840 रुपये इत्थे की हो रहा वा, 9840 रुपये इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की
सेलिंग प्राइस है, इसकी बेच रेट है। जे तुसी मोबाइल मार्केट चो 8200 रुपए का खरीद के अपनी शॉप पर रखे है उससे 20% प्रॉफिट कमाना चाह रहे हो तो दसो उसका बेच मुल कितना होएगा, तो 9840 रुपए होएगा। मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन तुसी वेरीफाई भी कर सकते हो कि ये गलत है ये सही है। सपोज अगर मैं इंज कहां कि मेरे को 9840 रुपए है, ठीक है, ये कॉस्ट है ये सेलिंग है, दसो इतने प्रॉफिट कितना हो रहा वा, तो तुसी कहोगे जी 9840 माइनस 8200 इज इक्वल 4 हो गया, तुहाडे कोल 6 हो गया, 1640 रुपए हो गया। हुण 1640 रुपए कितना परसेंट प्रॉफिट है, तो तुसी प्रॉफिट इज इक्वल लिखोगे वट यू हैव टू राइट 1640 अपॉन यानी कॉस्ट प्राइस। सो कॉस्ट प्राइस 8200 इंटू की करोगे 100, डबल सिफर ना डबल सिफर कैंसल हो गया, जीरो नाल इन कैंसल करांगे तो आई मीनस लगभग किन्ने नाल कैंसल हो जाएगा, 2 नाल, क्लियर है, यानी 82 × 164 20% हो गया। तो आई थिंक 20% इट्स अ प्रॉफिट। तो एवरीबडी सारे लोगों को समझ आ गया, प्लीज़ मैं दसो एक बारी कि सर बिल्कुल समझ आया, क्योंकि मैनू इदा लगता है कि स्टूडेंट्स नू इदा ना कोई सवाल ना हो कि बाद चो कहण कि सर सानू समझ नहीं आया, क्लीयर है, ठीक है। अगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर लेने आप थर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। हुण जिथों तक आप गल की थी कि मेरे को कॉस्ट कितनी है 8200 रुपये है, ठीक है, मैं इससे लगभग प्रॉफिट कितना कमाया 20% कमाया, इसका मतलब है कि सेलिंग प्राइस आप 9800 कितने प्राप्त किए ने, मे बी 9840 रुपए, यस करैक्ट 9840 रुपए मेरे प्यारे दोस्तों इसकी सेलिंग प्राइस होगी। हुण अगर थोनों यही क्वेश्चन तुसी डिफरेंट तरीके नाल भी कर सकते हो, प्रोपोर्शनल तरीका, प्रोपोर्शनल तरीका तुहाडे च हो सकता है ज़्यादातर बच्चे नहीं जानते, हो सकता है ज़्यादातर जानते हो, जिसनों आप समानुपाती भी कह दें, कि कह दें मेरे प्यारे बच्चों समानुपाती कह दें। हुण देखो असी किद्दां कर सकते हैं प्रोपोर्शनली, प्रोपोर्शनली का मैथड यह कहता वा कि मनो कि किसी प्रोडक्ट की अपने को सेलिंग रेट नहीं है, बई अगर इससे 20% प्रॉफिट हो रहा है तो मनो तुम कि मेरी खरीद किन्ने की है 100 रुपए की है, तो 20% प्रॉफिट कमाने लिए मैं किन्ने की बेचागा 120 की बेचागा, ठीक है, लेकिन एक्चुअल रेट किन्ना है 8200 और आप की फाइंड करना है सैकेंड, यानी कहने का मतलब मेरे प्यारे दोस्तों CP और SP, CP2 और SP2, ठीक है, तुम इदा भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हुण यानी यदा प्रिपोर्शनल का मतलब की होंगे, यदा मतलब होंगे कि जो बाहर के वाले नंबर ने उन्होंने मल्टीप्लाई और इंटरनल वाले यानी एक्सटरनल और इंटरनल का मल्टीप्लाई कर दो, लाइक किदा करोगे तुम 100 × x करोगे और इज इक्वल तुम की कर दोगे 120 × 8200 कर दोगे, क्लीयर है। अगर आप एक्स की वैल्यू कटा तो ये अपोन डेफिनेटली 100 आ जाएगा, तो डबल सिफर ना डबल सिफर कैंसल कर दो, 120 × 82 तो आंसर आ जाएगा, जो कि एक्स की वैल्यू मतलब दस रहा वा कि तुम्हें सेलिंग प्राइस फाइंड करना वा, इतने क्लीयर है, आई थिंक बिल्कुल क्लीयर होना चाहिए, तुम इदा भी कर सकते हो। प्यारे बच्चों किदा लग्या सैशन मैंने जरूर दसो, सैशन काफ़ी लंबा करांगे, हर तरीके के क्वेश्चन मैं बेसिक स्तर के करावांगा। नैक्सट क्वेश्चन लैने, पेपर च आया हुआ क्वेश्चन है, पंजाब गवर्नमेंट के PPSC एंड पुड्डा पेपर च क्वेश्चन आया कि किसी भी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइज है, किसी भी प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइज है 1190 रुपए है, ठीक है, और मैनू इस प्रोडक्ट से 30% की होया वा लॉस होया, क्लीयर है, तुम मैं ये दसो कि यदि CP कि फटाफट। कुछ भी जिंदगी हासिल करने लिए अपने अंदर एक उम्मीद नहीं जगाई, वो स्टूडेंट कभी भी अपनी किस्मत तो उम्मीद ना करे, क्लीयर है, यानी सानू कुछ भी बेहतर करना है साड़ी जिंदगी तो सानू एक उम्मीद और उमंग रखनी बहुत जरूरी है। कोचिंग सेंटर दे विच असी हकीकत देखी है, बहुत ज़्यादा बच्चे जाते हैं, सिर्फ उन्हां दी जिंदगी का कुछ मसाला ही डिफरेंट होंदा है, जिंदगी का अंदाज डिफरेंट होंदा है। दोस्तों हमेशा मैं थोनों एक रिक्वेस्ट भी करता सी बिगनिंग के अंदर कि मेरी ये परसनल रिक्वेस्ट ही, हो सकता मेरे जैसे तुहाडे भी विचार हो सकता तुहाडे तुसी मेरे विचारां नाल सहमत ना हो, मैं खुद इस चीज़ तो सफ़र किया है बहुत बार कि मार्केट के अंदर जाने जे साडे कोल व्हीकल है, पहली गल तो असीं इन्नी रश ड्राइविंग करते हैं, उस तो अलावा कई बार इदा हुंदा है कि असी ऑन रोड व्हीकल ठल के अपना काम कढ़न जाने हैं। तुसी ये याद रखो कि थोड़ी वजह नाल किसी नूं तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तुसी ठलता कोई नुकसान नहीं है, बट इहदा इलाज गौरमेंट ने करता हो। इन्ना ट्रैफिक रूल्स बारे अपने पेरेंट्स नूं दसो, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप अवेयर करना है, आप अगर अवेयर नहीं करा किसी को, असं जो थोड़ा दस रहे हैं, बहुत सारे सवाल करते हैं बच्चे सर तुम्हें की फायदा है, सानू मीडिया वाले ने पूछ लिया, जे तुम पढ़ा रहे हो तो फिर किदा घर चलाने, ये जनून है, जे तुम किसी को कुछ दस सकते हो, किसी की लाइफ सुधार सकते हो तो डेफिनेटली उन्होंने जरूर दसो, ठीक है। उस तो अलावा यानी बहुत सारिया चीज़ा ने, तुम कुछ इदा ना करो हर मूमेंट से कि साढ़े तो किसी ने किसी को जरूर सीख्या मिले, क्लीयर है। वधदे अगे क्वेश्चन वाल, बाकी जिंदगी दे विच इंजॉय करो, हसदे रहो वसदे रहो, ये जिंदगी का पल दोबारा नहीं मिलना है। टारगेट बनाओ, मेहनत करो, क्योंकि जब तक टारगेट नहीं बनेगा तब तक सन असी एक अचीवर्स नहीं बनांगे, ठीक है, कंपीटीटर नहीं बनांगे, असी फाइटर नहीं बन सकते हैं। चलो शुरू करते हैं, इतने कॉस्ट साढ़े को नहीं है,
ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸਟ ਐਕਸ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਵੀਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸਟ ਐਕਸ ਮੰਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 30% ਲੌਸ ਹੋਇਆ 30% ਲੌਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ 70% ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੌਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਇੱਥੇ 100 - 30 = 70 ਤੁਸੀਂ 30 ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਆਨਸਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸੇਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ 7x/10 ਤਾਂ ਸੇਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1190 ਮਤਲਬ ਕਿ 7x/10 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1190 ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅਪੋਨ 'ਚ 1 ਲਾ ਦੋਗੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦੋ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ 1190 × 10 ਯਾਨੀ x = 7 ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ 17 × 7 = 119 = 170 ਲਗਭਗ ਇਹਦੀ ਕਾਸਟ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ ਯਾਨੀ 1700 ਰੁਪਏ ਕਾਸਟ ਆ ਗਈ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੰਦੂਓ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ 1190 'ਚ ਵੇਚਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ 30% ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ 1700 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸੇਲ ਇਹਨੂੰ 1190 'ਚ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਸ ਫਾਈਂਡ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸੀਪੀ ਮਲਟ ਐਸਪੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸੀਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆ 1700 ਔਰ ਐਸਪੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 1190 10 ਆ ਗਿਆ ਲਗਭਗ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੇਬੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 600 ਆਈ ਥਿੰਕ 500 ਆ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਪਿਆਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 510 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਲਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਘੱਟ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਲਾਸ ਪਰਸੈਂਟ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਲਾਸ ਐਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੈ ਕਾਸਟ ਇਨਟੂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ 100 ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਲਾਸ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਲਾਸ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ 510 ਕਾਸਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1700 ਹੈ ਔਰ ਇਨਟੂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ ਇਨਟੂ ਲਿਖਾਂਗੇ 100 ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 100 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 100 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਡਬਲ ਸਿਫਰ ਨਾਲ ਡਬਲ ਸਿਫਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ 17 × 3 = 51 ਸੋ ਵਾਟ ਵੀ ਗੋਟ 30% ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏ ਲਾਸ ਔਨ ਏ ਦਿਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਸੇਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪੁੱਛਦਾ ਤਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਕੇ ਆਨਸਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇ ਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਦੋਸਤੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਗੇਅਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਤੀਜਾ ਗੇਅਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ 70% / 100 ਲਾਉਨੇ ਆ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ 100/70 ਕਰ ਦਿਓ ਯਾਨੀ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਇਨਟੂ ਇੱਥੇ 1190 ਕਰ ਦਿਓ ਸਵਾਲ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਯਾਨੀ 17 ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 1790 ਕਲੀਅਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਵੱਧਦੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਥਡ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਾਸਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 100 ਰੁਪਏ 30% ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ 70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਆਪਾਂ ਕਾਸਟ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਸੇਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ 1190 ਰੁਪਏ ਯਾਨੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਆਫ ਦਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਔਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਆਫ ਦਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਪਾਰਟ ਠੀਕ ਹੈ ਐਕਸ ਇਜ਼ਿਕੁਅਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 100 × 1190/70 ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਫਰ ਨਾਲ ਸਿਫਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ ਬਰਾਬਰ 1700 ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਸਟ ਆ ਗਈ ਹੈ ਇਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਲੈ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਔਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਬਿਨਾਂ ਪੈਨ ਬਿਨਾਂ ਪੇਪਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਰਨਗੇ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੋਂ ਸਵਾਲ ਦੱਸਦਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਯਾਨੀ ਅਮਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਡਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਇਫ ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੇਲਿੰਗ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲਿਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੇਜ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਫ ਏ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਲਿੰਗ ਔਨ 15% ਲਾਸ ਐਂਡ ਗੈਟਿੰਗ 2550 ਰੁਪਏ ਠੀਕ ਹੈ ਦੈਨ ਔਨ ਹਾਊ ਮੱਚ ਰੁਪੀਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸੈਲ ਇਟ ਟੂ ਗੈਟ 20% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਵੇਚਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਾਂ 2550 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲਗਭਗ 15% ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ 15% ਘਾਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਓਵਰਆਲ ਇਸ ਤੇ ਲਗਭਗ 20% ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਜੋ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਤਾ ਆ ਕੰਬਾਈਂਡ ਕਰਤਾ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਆ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ
कॉस्ट नहीं है तो कॉस्ट नहीं, असं कुछ भी अगे नहीं बढ़ते। हुण आपां की करांगे, जे आपां मन्निया कि इस क्वेश्चन की सपोज आपां मान लो भी कॉस्ट किन्नी है 100 रुपये, ठीक है, इत्थे सेलिंग किन्ने की हो रही है 2550 रुपये की हो रही है, तो लॉस आपां नूं किन्ना हो रहा वा 15% का, मतलब है तुसीं 85% मन्नो, 15% अड गया 85 रह गया वा, ठीक है। तुसीं कह सकते हो क्वेश्चन नूं फाइंड करने वास्ते आपां इंज लिख सकते हैं, यानी 100 बटा किन्ना हो गया 85 × 2550, यानी इनू कैंसल करांगे तो लगभग यह माइट भी किन्ने ते चलिया जाएगा, मे बी 5 ते चलिया जाएगा। चलो फिर भी एक बार चैक कर लेने, 5 दे टेबल ते कटांगे, 17 × 5 = 85 और ये हो गया 5 × 5 = 25 0 हो गया, 3 ते चलिया गया तो लगभग 30 चलिया गया। तो मैं कह सकता वा कि मेरे को जो प्रोडक्ट सी उसकी कॉस्ट कितनी आई है, उसकी कॉस्ट आई है 3000 रुपये। मेरे प्यारे दोस्तों इतों तक सवाल समझ आया, ठीक है, अगे वधदे आप। अगर इस सवाल को कहा जाता है भी कॉस्ट मेरे को 3000 रुपये है, बट मैं हूँ इस पर प्रॉफिट कितना कमाना है 20%, दसो इदा सेलिंग प्राइस कितना होएगा, तो 3000 × 120/100, 0 ना 0 कैंसिल होगी, 1236600 रुपया मेरे को आएगा। मतलब कि अगर मैं कह कि भाई मैं किसी चीज़ को 3000 की खरीदी, 3000 की खरीद के 15% घाटे से मैं 2550 बेचती, मैं अगर उस चीज से 20% फायदा कमाना चाहता हाँ तो दसो ये चीज़ मैं किन्ने की बेचनी चाहिए है, तो 3000 तो मेरी खरीद होगी, तो मैं इस प्रोडक्ट को किन्ने की बेचागा, लगभग 3600 की बेचागा। मेरे क्वेश्चन के कितने भी थोड़ा कॉस्ट प्राइस जिक्र नहीं किया, सॉरी फॉर दैट, कॉस्ट प्राइस का जिक्र इतने नहीं किया गया, कॉस्ट प्राइस का जिक्र नहीं किया तो सानू कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी पड़ेगी। ये हो गया इसका बेसिक यानी यदा कंसैप्ट, क्लीयर, ठीक है। हुण थोड़ा अगे वधदे आप फटाफट, देखो इसे क्वेश्चन नूं किदां घट छोटा कर सकते हैं। पहला मेरी मैथड मेरा कहिंदा वा, नोट करो कि जिहड़ा प्रोपोर्शनल तरीका तुहानूं दस्सिया वा, मैं प्रोपोर्शनल दस्सिया कि मैनू अगर 15% लॉस हो रहा वा, 15% जेकर मैनू लॉस हो रहा तो मैं इत्थे पर्टिकुलर द्वारा यानी डबल एस पी कढ़ना आ, ठीक है। तो मैं इत्थे इंज लिखांगा 85:25, मैं 2550 दा वेचिया, माफ़ करना इत्थे 2550 लिखांगे, प्रोपोर्शनल 120 मैं प्रॉफिट इन 20% प्रॉफिट कमाना है, तो दसो इदी कितनी सेलिंग प्राइस होएगी। मतलब यह लॉस हो गया, यह एस पी 1 हो गया, यह प्रॉफिट हो गया, यह एस पी 2 हो गया। हुण तुसी इनू इहदे नाल मल्टीप्लाई करो, तुसी लिख सकते हो 85 × x, तुसी लिखोगे 2550 × 120, ठीक है, बटे दे विच आ जाएगा 85 नीचे, क्लीयर है। हुण तुसी इनू कैंसल करोगे, लगभग 30 टाइम चला गया, 1236600 रुपये तुहाडे कोल की आ जाएगा, इसका मतलब कि सेलिंग 2 आ जाएगा, बिकॉज आपां सेलिंग 2 नूं की मन्निया आ, एक्स मन्निया। आई थिंक समझ आ गया होएगा। नोट करो ट्रिक, ट्रिक नोट करो मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी पेपर च थोनू इदां दा सवाल आवे कि जदों थोनू पर्टिकुलर किसी भी क्वेश्चन दे विच थोनू लॉस दे के, लॉस दे थां ते थोनू एक होर कंडीशन सीपी एस पी दिता जाए, सैकेंडली कंडीशन एस पी 2 फाइंड करना है, तो तुसी की करना है, पहले सवाल समझांगे कि आपां दस्या गया लॉस 15% है, यानी एस पी 1 है तुहाडे कोल 2550 रुपये है, ठीक है, प्रॉफिट तुसी 20% कमाना चाहते हो तो तुहाडे कोल एस पी 2 किन्ना है, ये फाइंड करना है, क्लीयर है। इस कंडीशन दे विच तुसी की करोगे, ट्रिक की कहती है, ट्रिक कहती प्रॉफिट बटे लॉस इनटू की कहती है एस पी 1 बराबर एस पी 2 फाइंड करना है, क्लीयर है। प्रॉफिट कितना है 120, लॉस कितना है 85, इनटू की कर देंगे 2550, डायरेक्ट कट दो, 3 के भाड़े से कटिया गया, 1236600 रुपये तुहाडा आंसर आ गया। प्लीज़ मैनू दसो कि सर ये सवाल समझ आया कि नहीं, ये ट्रिक नोट कर लो, देसी दवाई है, जो मर्जी तुम लो ठंडे पानी नाल, गर्म पानी नाल, ठीक है, बाले गर्म ना ले लियो, जीभ मच जूगी नहीं तो, ठीक है। तो यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है यार, ठीक है, इदा के तुम सवाल कर सकते हो। एक सवाल लिखो फटाफट सारे स्टूडेंट और मैनू फटाफट आंसर दसो की होएगा उनका। मैं तुम्हें सवाल दस रहा वा कि मैनू किसी चीज़ से 20% का घाटा होया, मैं इस प्रोडक्ट को लगभग 2500 का बेचिया, ठीक है, मैं अगर इस 25% फायदा कमाना चाहना है तो दसो इनू मैनू किन्ने का बेचना चाहिए एस पी 2, तुसी दसो फटाफट, प्लीज़ गिव इन द कमेंट बॉक्स, कम ऑन गाइज। जे तुसी अच्छी नीयत ना पढ़ रहे हो, वाकई ही यह मेरा मेहनत जो मैं तुहाडे ते टाइम स्पेंड कर रहा वा, मैं सोचा कि वाकई ही यह मेरे टाइम की कीमत समझ रहे हैं बच्चे, तो प्लीज़ जरूर यदा आंसर दसो। मेरे खूबसूरत इंसान बनने का एक तजर्बा यह होना चाहिए वा, ठीक है, तो तुसी बस हर वक्त किसी न किसी तरीके की रिस्पैक्ट करो, रिस्पैक्ट इंसान करेगा तो रिस्पैक्ट भी करवाएगा।
चलो क्लियर है, फाइंड करता होएगा, ठीक है। यानी एसपी टू अपना फाइंड करना है, की लिखांगे अपना, सब तो पहले लिखांगे 125 प्रॉफिट, 80 लिखांगे लॉस, इनटू की कर देंगे 2500, क्लियर है। सिफर ना सिफर कैंसल हो गया, हुण तुसी कहोगे सारे कैंसल नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। तुसी जे तुहाडे कोले ऑप्शन अवेलेबल है तुसी डीडीएफ भी अप्लाई कर सकते हो, जे तुहाडे कोले ऑप्शन अवेलेबल है तुसी डीडीएफ भी अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज जे मैनूं एसपी मन्ना इत्थे 2000, जे आपां 2000 मन्नोगे तुसी कैंसल कर दोगे, 2500 यानी 125 × 25। अगर मैं थोनों इत्थे सेलिंग प्राइस 2000 दिता हुंदा, बिकॉज मैं थोनों 2500 दिता सी, इस करके तुहाडा जो आंसर आएगा सेलिंग प्राइस 2 वो आएगा डेसीमल च। इस कंडीशन च ट्रिक का फायदा की है, इतने ट्रिक का फायदा है कि आपां नूं कॉस्ट फाइंड करने की जरूरत नहीं पेगी, कॉस्ट फाइंड करने की जरूरत नहीं पेगी मेरे प्यारे दोस्तों इस कंडीशन च। आई होप थोनों समझ आ गया होएगा। इदा के सवाल पेपर च बहुत सारे आएंगे यार, ठीक है। इदा के सवाल करने की हिम्मत और हौसला जरूर रखना है, बहुत सारे सवाल बनते हैं मैथ दे विच, ठीक है। मैं थोनों बहुत सारे सवाल भी करावगा। लाइक एक गल करते हैं, आप पेपर के अंदर एक सवाल आया सीगा, सवाल पेपर च इदा आ गया कि मैं किसी प्रोडक्ट नूं, अगर मैं किसी प्रोडक्ट नूं 20% प्रॉफिट दे थां ते मैं 25% प्रॉफिट ते बेचा तो मैनूं 35 रुपए वध के मिले आ, ठीक है। मैं किसी प्रोडक्ट नूं, मेरे पेन नूं मैं 20% प्रॉफिट दे थां ते अगर 25% प्रॉफिट ते बेचा तो मैनूं 35 रुपए ज़्यादा मिलते हैं, दसो इहदी कॉस्ट किन्नी है। तो इस कंडीशन च तुसीं की कर दोगे, तुसीं कर दोगे लगभग 35 × 25 700 रुपया तुहाडा आंसर आ गया। आई थिंक देखो बिना पेन बिना पेपर मैं किया, यही प्रोसीजर मैं तुहानूं सिखाउणी चाहुंदा वां। मैनूं पता है कि 20% 25% का किन्ना डिफरेंस आएगा, 5% 5% की फ्रैक्शन वैल्यू तुसीं किन्नी लिखोगे, 1/20, और 1/20 तुसीं डायरैक्ट 20 नूं मल्टीप्लाई कर दो 35 नाल, 35 दूणा 70, 700 तुहाडा आंसर आ गया। मेरे प्यारे दोस्तों ये चीज़ां मैं तुहाडे च पाउणा चाहुंदा वां, तुहानूं सिखाउणा चाहुंदी वां, ठीक है। तो बेसिक कंसैप्ट सब तो पहला सीखना बहुत जरूरी है, जब तक साढ़े बेसिक्स क्लीयर नहीं होंगे असीं किसी भी प्रकार की ट्रिक्स व्रिक्स नहीं बना सकते। एक क्वेश्चन नोट करो फटाफट, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर च आया हुआ प्रश्न है, ठीक है, और यह पुड्डा पेपर च आया हुआ क्वेश्चन है, जरा नोट करो। जरा सवाल यह कहता वा कि लगभग जे मैं अगर किसी चीज़ को 630 रुपया च बेचा तो मैनू इतने कितना लॉस होंगे, 10% लॉस होंगे, ठीक है। अगर मैं इस प्रोडक्ट को यानी SP1 SP2 910 बेचा तो दसो मैनू इस ट्रांजेक्शन से लॉस होएगा या प्रॉफिट होएगा। मेरे प्यारे दोस्तों जे तुहाडे च इंटैलीजेंस एक चतुरता अगर मैं तुहानूं कह दिंदा तुहाडे च कला आ तो तुसीं इत्थे क्वेश्चन च समझोगे, मैं तुहाडे नाल बस थोड़ा जिहा भुलेखा कीता जिवें एक जादूगर करदा हुंदा पिंड दे चुंड ते बैठ के, ठीक है ना, कितें ना कितें तुहानूं जादू दिखाउंदा हुंदा है। बस मैं कीता की है कि उतले क्वेश्चन नूं बस मैं मॉडिफाई करता आ। देखो जे तुसीं बेसिक तरीके नाल करना चाहुंदे हो तुहाडे कोल बेच मुल किन्ना है 600, मैं किसी भी एक रेडियो है मेरे को, मैं उस रेडियो को 630 का बेचा तो मैं 10% घाटा होया। अगर घाटा होया तो कोई चीज़ वाकई ही किन्ने की होएगी, वध के होएगी, ये तो गल पक्की हो गई। तो आप जे इतने कॉस्ट फाइंड करांगे तो मैं तुम्हें दस्या सीगा कि उसनों उल्टा लिख दो 90 × 630, सिफर नाल सिफर कैंसल होगी, ये 7, मतलब कि मेरे इस रेडियो की कॉस्ट किन्नी है, 700 रुपया है। 700 का मेरा रेडियो से मैं 630 का जिमें बेचिया मैं 10% घाटा होया, कोई डाउट नहीं है किसी बच्चे नूं, क्लीयर है। अगे वधीए, ठीक है। सवाल कहता है कि जे मैं इस रेडियो नूं 910 का बेचा, बई हुण मेरी कॉस्ट किन्नी है, 700 रुपए, मैं इसनों बेचना किन्ने दा चाहुंदा, 910 का, मतलब कि सीधा सीधा मैं 210 रुपये घाटे के थां फायदा उठा रहा वा। हुण फायदा मैं मिल रहा वा तो दसो प्रॉफिट होया, प्रॉफिट होया तो आप लिखांगे प्रॉफिट बटा कितना लिखांगे कॉस्ट, कॉस्ट कितनी सी 700, इंटू कितना कर देंगे डबल सिफर ना डबल सिफर कट करांगे, इंटू 7 × 21, तो लगभग 30% मैं की हो रहा वा फायदा हो रहा। मेरे प्यारे दोस्तों सवाल नूं इदां कर सकते हैं, बट तुसीं मैनूं इह दसो कि तुहाडे कोल इन्ना उत्थे टाइम होएगा या इन्ना तुहाडे कोल टाइम है कि पूरे क्वेश्चन इदां एक्सप्लेनेशन कर दो। जब भी किसी प्रश्न के अंदर मैं थोनों यह दस्या सीगा कि जो थानू लॉस दिता होनू सेलिंग प्राइज फस्ट दिता हो, अपन एक्स मान लें वाई मान लें, ठीक है, इतने थोड़ा प्रॉफिट दिता हो लॉस दे के उन्हें कुछ भी, और थोड़ा पूछा जाए कि सेलिंग प्राइज 2 तुम दसो, तो सेलिंग प्राइज 2 फाइंड करने वास्ते की अपलाई किया, पहला प्रॉफिट फिर लॉस इंटू फिर सेलिंग प्राइज 1, ये फॉर्मूला सगा। बस हूँ इसे आप बस थोड़ा जहा मोडीफाई कर देना आ करा, यानी इतने आपको की किया आ, इन्होंने सब तो पहला क्वेश्चन 10% लॉस देता, इतने आपको 630 देता। सवाल समझो यार, सवाल समझो सब तो बड़ी चीज़ है, ठीक है। इतने आपको कुछ नहीं देता और इतने आपको देता यार 910 रुपये, मैंने दसो भी आप 910 इतने लिख दिए, प्रॉफिट अपने को है नहीं,
लॉस अपने को किन्ना आ 10 90 लिख दिए इंटू 630 लिख दिए, कोई माड़ा नहीं है। ठीक है जी, अपन कट करेंगे बराबर 7 आ गया, 7 नाल कट दो। ठीक है 7 नाले नूं कैंसल कर दो तुसीं। और ईवन की एक चीज़ होर याद रखनी है, जो तुहाडे कोल इत्थे प्रॉफिट या लॉस क्वेश्चन दे विच पर्टिकुलर होएगा, हुण तुसीं की करोगे, यानी 7 एकम 7 और किन्ने बच गए ने 2, 21 7 या 21, तुहाडे कोले लगभग एक्स बराबर 130 आ गए। 130 का मतलब है भी अगर किसी प्रोडक्ट के उपर कुछ 100 तो वध के कोई चीज़ है तो मतलब डेफिनेटली 30 प्लस है, तो यह मतलब है कि 30% यानी थोनों इदा की ट्रांजैक्शन से 30% फायदा होया। मेरे प्यारे बंधु, यह बेसिक स्ट्रक्चर है सवाल का, समझण की कोशिश करनी है सारे बच्चों ने। ठीक है फटाफट यह चीज़ा आ, मान लो कि मैं बाजार गया, बाजार के मैं एक मोबाइल खरीदया और मोबाइल न खरीद के मैं उन्होंने बेच दिता, मैं मोबाइल में बेचा टोटल 2000 रुपए का, जिस पर मैं प्रॉफिट कितना होया लगभग मैं 15% के थां आप इसनों इदा करते हैं 20% प्रॉफिट लेने। ठीक है जे इस मोबाइल में मैं 3000 का बेचता तो मैं ये दसो कि मैं प्रॉफिट कितना होना सीगा, ये तुहाडे लिए क्वेश्चन है पहला। ठीक है इस तो बाद सवाल नंबर दूजा होएगा कि मेरे को मान लो कि कॉस्ट है मेरे को 5000 रुपए की, मैं इस मोबाइल में बेच रहा वहाँ 6000 रुपए का। ठीक है अगर मैनू इस मोबाइल में मैं अगर सपोज अगर मैं इनू 8500 का बेचा तो दसो मैनू इतने प्रॉफिट होएगा या लॉस होएगा, वो कितने परसेंट होएगा, इहदा आंसर तुसी देना है। ये दो क्वेश्चन मैं थोनू दे रहा कमेंट बॉक्स लिखो, और यह बेसिक स्ट्रक्चर से बिल्कुल पार्ट वन का, डरना नहीं है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट नूं मैं परेशान करा, मैं थोनू ट्रिक्स लिख दाँगा, 5-4 थोनू चंद मिनटां लई लगणगे कि बल्ले बल्ले सर ने चकते फटे, लेकिन बाद दे विच परेशानी होएगी। थोड़े जिहे हज़ारां बच्चे ने जिन्हां नूं बहुत डर लगता मैथ तो, प्यारे दोस्तों मेरा मैं भी तुहाडे तों डरिया होया कि मैं चाहुंदा कि मैं ट्रिक्स दसण तों पहलां कुछ बच्चों नूं बेसिक दसा, और जरूर है। और एक ख्याल रखो कि परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू जरूर याद कर लियो, परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू अगर तुसीं याद नहीं की तो तुहानूं तकलीफ होएगी। एक बार एक सवाल च पूछा गया, एक पेपर च पूछा गया कि एक बंदे ने एक बड़ा चैलेंजिंग सवाल दे रहा, मैं तुहानूं सवाल मेरा यह है, पहले मैं थोड़ा इंग्लिश दस दिना, बाद थोड़ा मैं पंजाबी भी दस दाँगा, हिंदी भी दस दाँगा, हरियाणे भी दस दाँगा, बागड़ी दस दाँगा। ठीक है इदू बाद मैं भाषा आँदी नहीं कोई, मैं कहाँगा कि वन ट्रेड कैलकुलेट्स द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन द बाइंग प्राइस एंड अनदर कैलकुलेट्स ऑन द सेलिंग प्राइस। मतलब कि अगर एक व्यापारी बंदा आ वह खरीदते कुछ लाभ प्राप्त करना चाहता है, खरीदते कुछ लाभ प्राप्त क्योंकि कुछ कॉस्ट होगी। वन ट्रेडर्स मैं उनका समझा देना, एक व्यापारी बंदा आ, वह व्यापारी बंदा की करता है कि अपने किसी प्रोडक्ट के उपर यानी एक तो कॉस्ट के उपर फायदा लेना चाहता है, एक प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट के बेच मुल से फायदा लेना चाहता है। अगर उन्होंने बेच मुल बराबर है, अगर वह प्रोडक्ट का बेच मुल बराबर है और उन्होंने जो हकीकत लाभ है जो रियल प्रॉफिट है उन्होंने उदा डिफरेंस 85 रुपए है, डिफरेंस 85 रुपए है और दोनों का जो लाभ है 20% है, तो तुसी ये दसना है कि उन्हें वेच मुल दसना उदा किन्ने दा है। क्लीयर है हुण इस सवाल नूं आपां इदां देखना है कि वह बंदा की करता है कि 20% प्रॉफिट कमाउंदा है और डिफरेंस किन्ना है, 85 रुपए डिफरेंस है। ठीक है 85 रुपए की है डिफरेंस है। हुण मैनूं एक चीज़ का पता है कि अगर वह देखो एक तो कॉस्ट पर है और एक है एस पी ते, अगर 20% प्रॉफिट कमा रहा वा तो डेफिनेटली 16 point something 20 की फ्रैक्शन वैल्यू गल करते हैं 1/5 होएगी, तो 1/5 तो लगभग आप कह सकते हैं कि 2/1/6 तो लगभग वो 16.6% उन्होंने घाटा होएगा। हूँ 16.6% 20% 3.33 का अंतर होएगा, 3.33 का मतलब है 1/3 बराबर 85 की वैल्यू है, 0 लावे तो कि हो जाएगा समथिंग यानी 2555 रुपया आ जाएगा। आलो जी मैं आंसर फाइंड करता हूँ, थोड़े चो मैक्सीम स्टूडेंट्स को यह सवाल ही समझ नहीं आया होएगा। कंडीशन की है कि तुम इदा मेरे वर्गी मेहनत करो, मेरे तो भी वध के मेहनत करो, सवाल मैं समझा। अगर मैं कह कि मेरे को कॉस्ट है 100 रुपया, मैं फायदा कि हो रहा 20% का, ठीक है 20% का फायदा हो रहा, तो यदा सेलिंग प्राइस किन्ना होएगा, तो आप कहे 100 × 120/100 सिफर नाल सिफर कटिया गया, मतलब कि सेलिंग प्राइस का आ। ठीक है तो तुम कह सकते हो कि प्रॉफिट थोड़ा कि हो रहा इतने 20 रुपए हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। दूजा सवाल है कि जे थोड़े को कॉस्ट कि 100 रुपये है, थोड़े को प्रॉफिट कि हो रहा वह 20% हो रहा, थोड़े को एस पी तो फाइंड करना है, तो आप कि लिखा 20/120 यानी आप 20/120 इंटू की करा 100 करा, सिफर नाल सिफर कटेगी लगभग जाके चल जाएगा तो 16.66% हो जाएगा,
यानी किन्ना हो जाएगा तुहाडे कोले, यह हो जाएगा 10, थले हो जाएगा 6, इत्थे हो जाएगा 5, नीचे हो जाएगा 3, तो 500 बटे 3 भी तुसी कह सकते हो, ठीक है। अदरवाइज तुसी इहनू 10 बटे 3 भी कह सकते हो, इदां करके तुसी सवाल अपना फाइंड आउट कर सकते हो। क्लीयर है? सवाल दे विच कंडीशन यह होएगी कि तुहाडे कोले जे दित्ता होया 20 इंटू 100 बटे 120, ठीक है। इहनू लिखोगे तुसी 10, इहनू लिखोगे तुसी 60, सिफर नाल सिफर कट्टी गई, 100 बटे 6 का लगभग जाके चल जाएगा थोड़े 16.66%। देखो डिफरेंस की है, डिफरेंस ये है ओवरऑल निकल के आ रहा है कि जदों तुसी किसी कॉस्ट ते प्रॉफिट दसोंगे और जदों तुसी किसी बेचे हुए रेट ते प्रॉफिट कढ़ोगे तो कॉस्ट वाला प्रॉफिट हमेशा बेचे हुए प्रॉफिट नालों ज़्यादा आ। सवाल च कोई डिफरेंस नहीं है, सवाल सेम है, खरीद रेट सेम है, बेच रेट सेम है, प्रॉफिट सेम है, डिफरेंस कहदा है, डिफरेंस इत्थे कहदा है, डिफरेंस इत्थे एक यानी कॉस्ट ते है और एक कहदे ते है बेचते है। मेरे प्यारे बच्चों यही चीज़ा समझनी है, ठीक है, यही चीज़ा समझनी है। सवाल दे विच भी यही तुहानू दस्सिया गया सीगा, वो कहिंदा कि जे 20% मतलब प्रॉफिट हो रहा है, 20% प्रॉफिट हो रहा, 20% का प्रॉफिट का मतलब समझ गए। हुण दूजा अगर लॉस होएगा, देखो एक वैल्यू होंदी है एक्स बटे वाई, ये होंदी हमेशा वधदी हुई वैल्यू, घटती हुई वैल्यू होंगी है एक्स एंड एक्स प्लस वाई होंगी है। जे मैं कह कि इहदी फ्रैक्शन वैल्यू है एक बटे पंज है, क्लीयर है, तो दोस्तों इतने एक तो आएगा ही आएगा, एक प्लस कितना जोड़ोगे तुम पंज जोड़ोगे वाई की वैल्यू तो लगभग एक बटे छे हो जाएगी, यानी तुम कह सकते हो कि 20% फायदे का मतलब है एक बटे पंज। और आप कह देंगे कि जे वह लॉस है बई दूजे पास प्रॉफिट है तो दूजे पास प्रॉफिट कितना होएगा एक बटे छे होएगा, एक बटे छे का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू तुम्हें याद होएगी 16.6 है। डिफरेंस अगर तुम इधरों करोगे तो तद भी तुहाडे कोल डिफरेंस फाइंड हो जाएगा, जे इधरों करोगे तो तुहाडे कोल 3 पॉइंट लगभग 33% अंतर आ जाएगा। 3.33 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होंदी है एक बटे तीन होंदी है, एक बटे तीन मतलब इन्हों दोनों का की है, इन दोनों का डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस है, डिफरेंस अगर एक बटे तीन है, एक बटे तीन की वैल्यू 85 रुपए और 85 नूं तुसीं क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2510 रुपए तुहाडा आंसर आ जाएगा। आई थिंक हुण समझण च किसी भी बच्चे नूं प्रॉब्लम नहीं होएगी, हालांकि यह क्वेश्चन थोड़ा मैं उंज ही समझाया सी, वैसे दिस क्वेश्चन इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, पर्टिकुलर दिस टॉपिक, एंड वी हैव टू डिस्कस दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन इन द नैक्सट टॉपिक, आपां नैक्सट दे विच डिस्कस करांगे, बिकॉज उस तो पहलां तुहानूं बहुत सारी चीज़ां दसणियां, विदाउट ट्रिक विदाउट पेन विदाउट पेपर मेरे कंसैप्ट चलणगे, मेरे पेपर दे विच पर्टिकुलर जो कंसैप्ट है यह किलर कंसैप्ट के नाम तो जाना जाएगा। दोस्तों मिलते हैं फिर अगले पार्ट, तद तक पढ़ते रहो, ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय, लाइक और शेयर करना नहीं भूलना, किरण पब्लीकेशन की बुक लो, उसकी प्रैक्टिस करो, डेली बेस से प्रैक्टिस करो, नोट्स बनाओ, और तुसी मैनू इंस्टाग्राम से भी फॉलो कर सकते हो, टैलीग्राम से तुसी साडे नाल जुड़ सकते हो, वट्सअप से जुड़ सकते हो, और अन अकैडमी से फॉलो करना नहीं भूलना, जिहदा लिंक तुहानू डिस्क्रिप्शन च दिता है, प्लीज़ विजिट करो और क्लिक करो, उत्थे तुसी प्लीज़ मैनू जरूर फॉलो करो। थैंक यू सो मच।